नमस्कार, मैं आकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी। मेरे साथ मेरे सहयोगी किशन कुमार के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत जिले में, जहां एक प्रकरण सामने आया। इस वक्त मेरे साथ पीड़िता व पीड़िता की माता जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं आपके साथ मेरे साथ ये घटना हुई है। एक मोहल्ले का लड़का था जिसका नाम रिजवान है रिजवान जी, और एक उसका दोस्त है वसीम नाम का। मेरे मुझे उनके मतलब मुझे फंसाया गया, ये उल्टे सीधी पढ़ा सी की मुझे घर पे बुलाया गया, उल्टा सीधा बोला। घर पे मैं गई, घर पे जाने के बाद मेरे साथ उल्टा सीधा किया, मेरे साथ बलात्कार किया दोनों ने, वसीम ने भी और रिजवान ने भी, और मुझे मारने की धमकी दी। वीडियो बनाई मेरी, अगर तूने किसी को भी दिखाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे घर को भी मार दूंगा। मैं इतना कहने के बाद उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की दोनों ने। हाथापाई करने के बाद मेरे वहां पर मैंने चिल्लाए चिल्लाई विल्लाई, वहां पर मोहल्ले इकट्ठा हो गया, मेरे फैमिली वाले आ गए। मेरे फैमिली वालों को भी उसने हाथ उठाए दोनों ने। रिजवान ने मेरे पापा को भी मारा, उसके भाई ने भी मारा है, और वसीम ने भी, उसके दोस्त ने भी हाथ उठाया है। यहाँ के ये दबंग लोग हैं, मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री योगी जी से मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दे। जिस तरीके से अभी पूरा प्रकरण जो पीड़िता है उसने हमारे कैमरे पर बयान दिया है, उसके साथ उसी के दौरान जो उसकी माता जी है हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं वे क्या चाहती हैं। जी, मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरी लड़की के साथ आज ऐसा हुआ, कल और किसी लड़की के साथ ना हो। योगी जी से मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियां सेफ रहे, और जैसे उनको है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।